माता की। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक कुंवर संजय भाई यहाँ पहुंचे हैं इस देशभक्ति के कार्यक्रम में। मैं सबसे भाई का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपका देशभक्ति का जज्बा आपको खींच लाया। आपके अच्छे स्तर में जो कार्यक्रम फौजियों ने किया तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर पूरा देशभक्ति का पूरा जज्बा कूट कूट के भरा है। इसके साथ ही मैं कर्नल चौहान जी जो हमारे पुराने कंपनी कमांडर थे उस समय जब 71 की लड़ाई हुई और करतार सिंह जी उस लड़ाई में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब लड़ रहे थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु कर्नल साहब की जान परमात्मा ने बख्श दी। मैं ऐसे योद्धा को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उनके साथ ही कर्नल धर्मपाल राघव जी जो इसी क्षेत्र से आते हैं उनके बहादुरी के चर्चे भारतीय सेना में, पूरी भारतीय सेना जानती है कि जब जो है इन्होंने एक मिलिटेंट था आजर, बहुत खूंखार पाकिस्तान का मिलिटेंट था तो कर्नल साहब उस समय थरी आरआर में होते थे। जब उस आतंकी को इन्होंने पकड़ा तो इन्होंने एक थप्पड़ के अंदर जो है ना उस आतंकी का पेशाब निकाल दिया था। और जो है ऐसे ऐसे योद्धा हमारे बीच में, मैं कर्नल साहब को भी सलूट करता हूं। उसके साथ ही कैप्टन चरण सिंह जी अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संघ के, मैं इनको भी सलूट करता हूं। विंग कमांडर परमवीर सिंह जी हैं उनको भी सलूट करता हूं। मेजर हिम्मत सिंह जी जो भी ये सर्विस में है हमारे बीच में है इनको भी सलाम करता हूं। कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल जो है अध्यक्ष है हमारे पूर्व सैनिकों के, पोसवाल साहब का भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और सलूट करता हूं। हमारे बीच बहन सुमन मलिक जी हैं, दैया जी हैं इनको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। ये बहुत ही दबंग और जो है इनके साथ में जो है ना इनके पतिदेव जी भी आए हुए हैं, दैया साहब डीएसपी साहब, उनको भी मैं सलूट करता हूं। नजर नहीं आ रहे कहां हैं। और स्टेज पर जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चेयरमैन साहब जो भी हमारे बीच में आए हैं उनको भी मैं सलूट करता हूं। मैं इसलिए सबका नाम एक बार लेने की कोशिश कर रहा हूं कि बार बार जो है हर आदमी के बीच में हर योद्धा की जो ना बात निकलती जाए। बाकी जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और मेरे सामने कुर्सियों पर जितने भी आसीन योद्धा हैं उन सबको भी मैं सलूट करता हूं। दमदमा गांव की पावन धरती को सलाम करता हूं। यहां पे जितनी भी मातृ शक्ति है, वीर नारी है, उनके भी मैं चरणों में नमन करता हूं। और इस गांव के अंदर एक नहीं चार चार शहीदों के स्टैचू गांव के बाहर गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये वीरों की धरती है। आप लोगों ने देखा होगा वैसे तो पूरा ही हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इस क्षेत्र में हर गांव गांव के अंदर लोगों ने अपनी शहादत दी है इस देश की रक्षा के लिए। हमारा कोई भी जवान, किसान, मजदूर, माताएं वो युद्ध के समय हमेशा आगे आ जाती है। मैं भी भारतीय सेना का एक सिपाही रहा, मुझे 99 वाला वार लड़ने का मौका मिला और उस मौके के ऊपर ऐसा हुआ कि हम जो है जयपुर से बाई रोड जाने का मौका मिला हमें प्राइवेट गाड़ियों में अचानक। तो उस समय मैंने बहुत करीब से देखा जहां जहां हमारा स्वागत हो रहा था, जैसे रेवाड़ी में गए, रेवाड़ी हुआ, रोहतक के वीटा फैक्ट्री ने खोल दी अपने पूरा
भंडार महिलाएं जगह जगह लोग मालाएं, क्योंकि एक बटालियन मूव करती है तो काफी लोग मूव करते हैं, सबको पता है, तो आंखों में पानी आ जाता है। 26/11 का हमला हुआ, मुझे उस ऑपरेशन में लड़ने का मौका मिला, तो लोगों की जो भावनाएं वहां देख रहे थे जब एनएसजी के हम कमांडो पहुंचे, तो लोग जनता एक से एक आगे बढ़ने के लिए इस देश में जो है ना तैयार है। आज करतार सिंह की शहादत को 51 साल हो चुके हैं और उस वीर योद्धा को हम सब याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे अवसर के ऊपर यहां दमदमा की पावन धरती पर आने का अवसर प्रदान हुआ। जब भी इस देश के ऊपर जब भी कोई ऐसी वार हुई है, चाहे 71 की हो, चाहे 99 की हो, चाहे कोई ऑपरेशन बड़ा हुआ हो, हमारे देश के सैनिक कभी पीछे नहीं है। और एक से बढ़कर एक योद्धा यहां जो बैठे हैं, गांव के अंदर आप बहुत सारे फौजी भाई हैं, सबने एक से एक बढ़ के काम किया है, अपने तिरंगे झंडे की आन बान शान और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए देश का कोई भी सैनिक पीछे नहीं है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा महत्व है, साथ साथ हमको देशभक्ति के गानों से भी जो है ना कलाकार साथी ओत प्रोत करते रहेंगे, मैं दो लाइन देशभक्ति की कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले मैं सभी मंच पर आसीन सभी लोगों को एक बार दोबारा सलूट करता हूं आप सबकी तरफ से, और गांव के तमाम फौजियों की तरफ से, क्योंकि हमारे नेतागण यहां अक्षेत्र के पहुंचे, इनका नाम भी बहुत बेहतरीन दूर तक इनकी आवाज है। तो एक बार जो है जोरदार भारत माता का नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो आजादी की लड़ाई के अंदर जो देश के अंदर जो आजादी के दीवाने जो बात कहते थे, उन्हीं लाइनों को मैं दोहराऊंगा। चलते भी गए कहते भी गए आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद।